शंख चूर्ण, तुम खत्म क्यों नहीं कर देते उस लड़की को? नहीं ना पाया, क्योंकि जब तक ये लड़की हमारे पास है, वो अर्जुन शास्त्री शंख चूर्ण पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। ऐसा नहीं है मोहिनी, अर्जुन शास्त्री इस लड़की को बचाने के लिए अवश्य आएगा। हम सीधे सीधे खतरे को न्योता दे रहे हैं। क्षमा करना नागमाया, आप दूर का देख तो सकती हैं, लेकिन दूर का सोच नहीं सकती। शंखचूर्ण, अर्जुन को समाप्त करने के लिए इस समय हमारे पास कोई रास्ता नहीं। जब तक ये लड़की हमारे कब्जे में, तब तक अर्जुन हमारे काबू में रहे, और अर्जुन से लड़ाई जीतने के लिए ये लड़की बनेगी हमारी जीत की चाबी। और जिस दिन अर्जुन समाप्त हो जाए, उस दिन इस चाबी को भी हम फेंक देंगे। तीनों के अलावा कोई और बहुत शक्तिशाली सांप है यहाँ? सांप? हाँ, हम महसूस कर सकते हैं। जाओ शंखचूर्ण, देखो। शंखचूर्ण, कौन था वह? बोलो शंखचूर्ण, कौन था? कोई नहीं था। पता था हमें कि ऐसा ही होगा। महाबली अस्तिका ने ही भेजा होगा हम पे नजर रखने के लिए किसी को। नागमाया, अब बेवजह घबरा रही है। मैंने कहा ना, कोई नहीं। माना तू पीछे से वार करेगा, ये तो जानता ही था। यही तेरी औकात है अर्जुन। था अर्जुन शास्त्री, ये मानव दिन ब दिन शक्तिशाली होता जा रहा है। हाँ शक्चु, नागमाया बिल्कुल सही कह रही है। अगर वो लड़का अर्जुन शास्त्री यहां तक पहुंच गया है, तो उस लड़की नूरी तक पहुंचने की कोशिश अवश्य करेगा। हमें बहुत सावधान रहना होगा शंखचूर्ण। सावधान रहने की जरूरत हमें नहीं, अर्जुन को। आप दोनों शायद भूल गए कि गुरु वासुकी ने क्या कहा, कि अर्जुन की नाग शक्ति से भी बड़ी उसकी प्रेम की शक्ति है। और इस वक्त उसकी सबसे बड़ी प्रेम शक्ति तो हमारे कब्जे में। नूरी,
असिस्टेंट प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दो। Just leave me alone. दूरी, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तू सिर्फ एक बार मेरी बात सुन। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है तुम्हारी जान कितने खतरे में है। फिलहाल उस इंसान के सामने खड़ो जिसकी वजह से मेरे पापा की असलियत मेरे पास नहीं है। तुझे पता है मैं खतरे में हूँ। नूरी प्लीज तुम चलो। नूरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इसे गलती से मार दूं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाएगा। राजवीर, मुझे ना कभी कभी तुझ पे हंसी आती। मुझे मारेगा तू? अगर मुझे मारना इतना आसान होता तो क्या मैं आज तेरे सामने यहाँ पे खड़ा होता? चल बता नूरी, तूने कितनी बार मुझे मारने की कोशिश करी? या मैं बताऊँ कितनी बार कोशिश करी और कितनी बार फेल हो गया है? राजवीर चले यहाँ से। अब बहस करके कोई फायदा? नूरी तुम मेरी बात सुनो, अगर आज तुम्हारे पापा यहाँ होते उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि तुम इस राजवीर के साथ यहाँ से जाओ। और तुम्हें अंदाजा भी है ये इंसान मेरे पापा तो जिंदा रहना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ, अपनी बेटी को विदा होते हुए देखना चाहते। लेकिन उनकी बेटी जरूर विदा होगी। राजवीर, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हमारी सगाई और शादी इन्हीं दिनों पर होगी जो पापा ने डिसाइड किया। नूरी तुम ये क्या कह रही? ठीक है, तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा हम पूरी करेंगे, जरूर करेंगे। नूरी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? गुस्से में कोई गलत फैसला मत लो, और ये जो तुम करने जा रही हो वो गलती नहीं तुम्हारी बर्बादी है। मुझे बर्बादी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। I'm sure I can handle it. चलें यहाँ से राजवीर, एंगेजमेंट की तैयारी करें। नूरी, नूरी तो मेरी बात। ठीक नहीं हुआ, जो कुछ हुआ ठीक नहीं। क्या लगा तुझे मैं कहने? दो चार डायलॉग मूवी को मारेगा, वो तेरी बात मान लेगी, तेरे पास लौट आएगी, तुझे आई लव यू कह देगी और तुम दोनों जिंदगी भर खुश रहोगे। देख, इंतजार कर रही है मेरा, तड़प रही है मुझे शादी करने की। क्या करता है अर्जुन? दो चार दिन तो दे मुझे एंगेजमेंट की तैयारी करने की। अब 24 घंटों के अंदर मुझे नूरी के लिए अंगूठी ढूंढनी होगी और वही अंगूठी नूरी को मौत के दरवाजे पर लेके जाएगी। कुछ नहीं कर पाएगा तू अर्जुन। नूरी राजवीर की ढाल है। अर्जुन से लड़ाई जीतने के लिए नूरी हमारी जीत की चाबी है। अब ये मत पूछना कि मैंने कैसे किया है। बहुत सुना समय से लग रहा है क्या? अरे क्यों नहीं सुना होगा, क्योंकि तू और तेरी माई तो यही बात कर रहे थे। देख राजवीर, कम से कम धमकी तो ऐसी दिया कर जिससे मुझे डर लगे। और रही एंगेजमेंट की बात, तो जो 24 घंटे चाहिए ना, चल दिए 24 घंटे ले ले, मैं भी देख लेता हूँ तू क्या कर लेता। लेकिन मैं अगले 24 घंटे तेरे कॉलर के नीचे से नूरी को ले जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा।